हाई स्कूल DXD नाम सुन के ना दिल के अंदर दर्द नहीं होता है, किसी और जगह होता है। कहाँ पर होता है भाई? मैंने आज तक अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे एनिमे देखा है एंड उनमें से जो बेस्ट अच्छे एनिमे है वो है हाई स्कूल DXD। अब ये मत पूछना कि भाई तो अच्छे एनिमे क्यों देखता है। तो इसके पहले मैं जो डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड एंड रेड ऑफ हेलर के ऊपर मैं वीडियो बनाया उसी की तरह इसी के अंदर 12 एपिसोड्स ही है, बट इसके अंदर 4 सीजन्स हैं। फर्स्ट सीजन का नाम है हाई स्कूल DXD, सेकंड सीजन का नाम है हाई स्कूल DXD न्यू, फिर आता है हाई स्कूल DXD बॉन्ड एंड उसके बाद हाई स्कूल DXD हीरो। और ये एनिमे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर तुमने ये एनिमे नहीं भी देखा होगा बट इसका कहीं ना कहीं मीम वीम तो जरूर देखा होगा। तो मैंने आज तक जितने एनिमे रिव्यू के वीडियो बनाया वहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर देता था ताकि तुम लोगों को थोड़ा समझने में अच्छा लगे एंड तुम लोग इस एनिमे देखने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट शो करो। बट मैं इस एनिमे के अंदर ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि भाई तू एक्सप्लेन कर देता है तो स्पॉयलर मिल जाता है। तो यार मैं हमेशा ट्राई करता हूं ऐसे एक्सप्लेन करने के जो फर्स्ट एपिसोड होता है एनिमे का वो उनमें से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि जितने नए लोग हैं जिन लोगों ने देखा नहीं उनके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आए देखने के लिए। बट अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है? अगर चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में #yes लगा दो क्योंकि तुम्हारा कमेंट देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि स्टोरी लाइन एक्सप्लेन किया जाए या फिर नहीं। तो ये एनिमे है हाई स्कूल DXD, इसके अंदर जो सीजन 1 है मैंने ये 2 दिन में खत्म किया था। उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि कुछ और एनिमे बीच में देख रहा था ना, उसके बाद जाके मैं सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 देख के खत्म कर दिया एंड मैंने सोचा था कि रिव्यू बनाएंगे बट मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया एंड तो यहाँ पर ये जो एनिमे है इसके अंदर स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया है। ये जो लड़की रहती है जिसका नाम है रियस, जो तुम्हारे भाई का फेवरेट है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर क्यों बता रहा है स्टोरी लाइन मत बता यार। तो शी इज पावरफुल एंड तुम लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा पावरफुल क्यों है। एक बंदा रहता है जिसका नाम है इसे, बहुत ही ज्यादा ठरकी है एकदम तुम्हारे भाई की तरह। अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ क्या? एंड दिस इज द ओनली एनिमे आई गेट जिसके अंदर मैंने इतने सारे वाइफ को देखा है भाई। एंड आई डोंट नो गाइस जिन लोगों ने देखा तुम लोगों का फेवरेट कौन है, इनमें से कौन है तुम लोगों का फेवरेट, बट माई फेवरेट इज आकेनो। आई लव आकेनो सो वेरी मच एंड शी इज सो ब्यूटिफुल। मैंने ये एनिमे देखा एंड देखने के बाद आई वॉज लाइक भाई ये लड़का कितना लकी है भाई, इसकी जगह मैं क्यों नहीं हूँ। तुम भी ऐसा बोलने वाले हो देखने के बाद, आई डोंट नो व्हाई ऐसा लगता है यार। इस एनिमे के अंदर क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है जो तुम ढूंढ रहे हो। एनिमेशन बहुत ही बढ़िया, कैरेक्टर्स बहुत ही सही है, स्टोरी लाइन भी बहुत सही है। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो भी है, डोंट वरी, ठीक है? बेसिकली बोल सकते हो इस एनिमे देखने के बाद एकदम से तुम्हारा सिक्का हिल जाएगा और तुम फेल हो जाओगे। ऐसे रिव्यू कौन करता है? बट स्टिल दिस इज गुड एनिमे, देख सकते हो, अच्छा है। इट्स ऑल अप टू यू, आई कांट फोर्स एनीवन, बट अगर मन करे तो देख सकते हो। इसका इंग्लिश डब भी है एंड सब भी है, अगर मन करे तो डब में देखना, अगर नहीं करे तो सब में देखना। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ सब में देखा करो, सब में देखने में जो मजा आता है डब में नहीं आता है, बट स्टिल जिन लोगों का जो मर्जी है। एंड अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक दे दूँ या फिर ना दे दूँ, आई डोंट नो। मैं अगर दूंगा तो आज सीजन 1 का लिंक दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास सारे के सारे लिंक देने के लिए, तो कल या परसों तक मैं बाकी सीजन का भी लिंक दे दूंगा। इतनी जल्दी तुम थोड़ी ना खत्म करने वाले हो। मेरा तो ओपिनियन यही है कि अच्छा लगा, सही है भाई। अगर तुम लोगों को ऐसे एनिमे देखना पसंद है तो सही है, मैं तो एक्शन एनिमे देखता हूँ। छी, तौबा। एंड जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो ये एनिमे जल्दी खत्म कर लेना अगर मन करे तो, क्योंकि मैं मीम रिव्यू ला रहा हूँ इस एनिमे के ऊपर एंड वो मीम रिव्यू जबरदस्त होने वाला है। अगर ये एनिमे नहीं देखोगे तो तुम लोगों को मीम रिव्यू समझ भी नहीं आएगा, ये लौंडा क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। तो या और हाँ, एक और बात यार, एनिमे के रिलेटेड बातचीत करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वट एवर यू डू, इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो करो, आ जाओ वहां पर बातचीत करो, अच्छा लगता है यार। एंड यहाँ पर एक और बात मैं बोलना ही भूल गया, जो 18 के नहीं है तो प्लीज ये एनिमे मत देखो, मुझे पता है वार्निंग देने का कोई फायदा नहीं, तुम देखोगे, बट स्टिल मेरा काम मैंने बोल दिया। वीडियो पसंद आए तो दबाओ लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।